पैसे की लालच में आकर एक महिला द्वारा ईसाई धर्म अपनाने की बात जब पति को पता लगी तो उसने इस मामले की पूरी जानकारी कप्तानगंज पुलिस को दे दिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने गुरुवार की सुबह पैसे की लालच देकर धर्मांतरण करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास से कुछ धार्मिक पुस्तकें और अन्य वस्तुएं बरामद की गई है। गोमती प्रसाद निवासी विलारी गाँव थाना कप्तानगंज ने गुरुवार की सुबह थाने में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि गाँव के रहने वाले फिरतू राम के साथ ही सरस्वती देवी, कमला देवी और हिरौती देवी तथा तहबरपुर क्षेत्र के धनियाकुड़ी ग्राम निवासी रघुवीर कुमार एवं अरवला थाना क्षेत्र के सकतपुर निवासी सूरज कुमार की देखरेख में गांव के अलावा क्षेत्र के कई गांवों से बुलाए गए लोगों को पैसों का लालच देकर उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसमें गोमती प्रसाद की पत्नी बिमला देवी भी शामिल है। इस बात की जानकारी होने पर पुलिस बताए गए स्थान पर जा धमकी। पुलिस देखे मौके पर अफरा तफरी मौज गई और वहां मौजूद लोग इधर उधर दुबकने लगे। पुलिस ने मौके से कुछ धार्मिक पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों को कब्जे में लेकर मामले की पुष्टि करने के बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार की सुबह पुलिस ने क्षेत्र के जिलादारगंज गाँव के समीप इस मामले में आरोपित किए गए फिरतू राम, रघुवीर कुमार तथा सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम बिलारी थाना कप्तानगंज पर 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है जो पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इस गांव बिलारी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया व 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। 8-10 व्यक्ति इसमें अज्ञात नामित किए गए, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के कब्जे से बाइबल और उसके अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।